आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त बीजेपी के अंदर अलग ही घमासान देखने को मिल रहा है दोस्तों। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष ने सीधे तौर पर ऐलान जारी कर दिया है कि वो इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, वही बीजेपी के अंदर से जो बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की दुकान पर स्टिकर लगाने का ऐलान कर दिया है कि अपने अपने नेम प्लेट अपनी दुकानों पर अपने ठेलों पर लगा दो, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि एक मुसलमान की दुकान है और जो कांवड़िए वहां से निकलेंगे उनको ये पता चल जाए कि भाई ये मुसलमान की दुकान है, तुम खाना चाहो तो खा सकते हो। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर लोगों को पता नहीं होगा और वो किसी मुसलमान की दुकान से खाना खा लेंगे तो उनका धर्म खतरे में आ सकता है। अब देखिए जो खबर सामने निकल के आ रही है बीजेपी के अंदर से दोस्तों, कि बीजेपी के महानगर अध्यक्ष ने सीधे तौर पर ऐलान जारी कर दिया है कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, ये एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। आए दिन इस तरह की तस्वीरें हम और आप देखते रहते हैं, इनका फोटो आप लोग देख सकते हैं। इनका नाम प्रदीप अग्रवाल है, इन्होंने इनको 7 महीने की अभी सजा सुनाई गई है और ये 7 महीने की सजा काटने के बाद इन्होंने अपना ऐलान जारी कर दिया। ये बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल है और ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम को कबूल कर लेंगे। दोस्तों आप लोग जरा सोचने की और समझने की कोशिश करिए, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल इस्लाम को कबूल करने की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच उन्होंने दी थी कि ईद के दिन मुसलमानों के घरों से मोदी जी के लिए खाना आता था, उसका असर शायद इनके ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरा पहलू समझने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर ये ऐलान, ये नियम लागू किया गया है कि मुसलमान अपने ठेलों पर अपने रेहड़ियों पर नेम प्लेट लगाएं, वरना किसी और ने अगर आपके ठेले से या दुकान से कुछ खा लिया तो उसका धर्म खतरे में आ जाएगा। आप लोग जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के घर से खाना खाते हैं, मुसलमानों के घर से उनके लिए खाना आता था, लेकिन उनका धर्म खतरे में नहीं आया। लेकिन आज के जो अदर रिलीजन के लोग हैं उनका धर्म खतरे में आता हुआ सामने निकल कर आई कि बीजेपी के महानगर अध्यक्ष जो है वो इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दे दी है कि मैं इस्लाम कबूल करने जा रहा हूं। दोस्तों उसके तुरंत बाद पार्टी के अंदर घमासान मच गया, एकदम हड़कंप मच गया कि हम तो प्रदेश के अंदर इस तरह के ऐलान जारी कर रहे हैं कि मुसलमान अपने अपने नाम प्लेट लगाएं, लेकिन दूसरी तरफ महानगर अध्यक्ष जो है इस्लाम कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप पे काफी बड़ा सवाल उठता है। अब दावा किया जा रहा है कि 7 महीने की जेल काटने के बाद भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार प्रदीप अग्रवाल के 2 शस्त्र लाइसेंस डीएम ने निरस्त कर दिए। आहत प्रदीप अग्रवाल ने पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया है। इनके 2 शस्त्र लाइसेंस थे, राइफल वगैरह मतलब बंदूक वगैरह के 2 लाइसेंस थे जिनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब ये दावा कर रहे हैं कि मेरे उनके जो लाइसेंस थे वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए और मेरी पार्टी के किसी भी सदस्य ने उनका साथ नहीं दिया, यानी कि इनके अपनों ने ही इनका साथ नहीं दिया, जिसके बाद इन्होंने ये धमकी दे दी है। उन्होंने अपने फेसबुक पर ये पोस्ट डाली थी कि इस्लाम कबूल कर लेंगे, उसके बाद उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कि ये इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं और इन्होंने उस पोस्ट को डाला भी था। अब देखिए लिखा है कि उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर 2 पोस्ट डालकर कहा है कि सुनवाई नहीं हुई तो मुस्लिम बन जाऊंगा। इसके स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद पार्टी में घमासान मचा है। भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल उर्फ कल्लू ने फेसबुक पर लिखा है कि मैं 1988 से पार्टी का सिपाही हूँ, मैंने हमेशा पार्टी का साथ दिया, बिल्कुल निर्दोष होने के बाद भी 7 महीने जेल काटी, कोर्ट ने मुझे निर्दोष माना, इसके बावजूद मेरे दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। बड़े नेता कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, तुम्हारे सामने फोन करूंगा, मैं जाऊं ना जाऊं काम होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ। पुत्र के अपहरण की कोशिश हुई इसलिए हादसा हुआ था मेरे साथ, जितना बुरा हो सकता था हुआ। मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता मगर मैं बहुत मजबूर हूँ, इस सरकार में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, पार्टी के किसी विधायक सांसद या पदाधिकारी ने मेरे मामले का संज्ञान नहीं लिया। अगर कोई साथ नहीं खड़ा हो सकता तो प्यार के 2 बोल तो बोल सकता है। इस तरह की बात इन्होंने सीधे तौर पर कही है दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक महानगर उपाध्यक्ष की सीधे तौर पर सुनवाई नहीं हो रही है तो किस तरह से एक आम आदमी की भी सुनवाई हो रही होगी, इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने कह दिया कि यदि मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अब इन्होंने कहा है कि घटना जो इनके साथ घटी है, 7 महीने जो इन्होंने जेल काटी है, ये दावा कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से निर्दोष थे
और इनको अब रिहा कर दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो घटना इनके साथ घटी है इससे ये बहुत ज्यादा पीड़ित है, इससे बहुत ज्यादा दुख इनको पहुंचा है कि पार्टी भी इनका साथ नहीं दे रही, इनके शस्त्र लाइसेंस है वो भी पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए, खत्म कर दिए गए हैं। अब जो है ये कह रहे हैं कि घटना से मेरा मन इतना दुखी है कि मेरे मन में विचार आ रहा है क्यों ना मैं हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म अपना लूं, उनके साथ रहूंगा तो पीड़ा तो होगी लेकिन किसी के ना बोलने का दुख तो नहीं होगा, मेरी सुनवाई नहीं हुई तो 15 दिन के अंदर मुस्लिम धर्म अपना लूंगा। इस तरह से सीधे तौर पर इसमें भी मुसलमानों को लाने की कोशिश की गई है। किस तरह से आप लोगों ने पढ़ा इसमें, इन्होंने कहा कि हो सकता है मुसलमानों के इस्लाम को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तो मुझे पीड़ा तो होगी, यानी कि महानगर उपाध्यक्ष इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों को पीड़ा में डाला जाता है, मुसलमान इस वक्त संकट में है, मुसलमान इस वक्त परेशानी झेल रहे हैं, तो ये इस बात को कह रहे हैं कि कम से कम मैं अगर मुसलमानों में चला जाऊंगा, इस्लाम एक्सेप्ट कर लूंगा तो मुझे दुख तकलीफ तो होगी लेकिन मैं अकेला महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान एकजुटता से रहते हैं और एक साथ खड़े रहते हैं, ये इसमें ये दावा कह रहे हैं। अब ये दावा करा जा रहा है कि जानलेवा हमले में प्रदीप ने काटी थी जेल। अप्रैल 2022 में कार सवार भाजपा नेता प्रदीप अग्रवाल और बाइक सवार छात्र के बीच वाहन टकराने पर कहासुनी हो गई थी। भाजपा नेता ने छात्र पर 2 गोलियां चला दी थी, इसमें एक गोली उसके पेट में लगी थी और दूसरी पेट के पार हो गई थी। छात्र के पिता सिपाही थे, इस मामले में प्रदीप को जेल भेजा गया था। अब आगे इसमें कहा जा रहा है कि मुझे फंसाया गया था, किसी ने नहीं दिया था साथ। प्रदीप अमर उजाला से बातचीत में प्रदीप ने बताया कि उस वक्त उनके पोते के अपहरण की कोशिश की जा रही थी, आरोपी नशे में थे, उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, 25 साल से बंदूक और राइफल का लाइसेंस है, पहले कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई, आरोपी के पिता पुलिस में थे तो उनकी घेराबंदी कर ली गई, पार्टी संगठन व नेताओं का उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला है। इस तरह का सीधे तौर पर प्रदीप अग्रवाल का कहना है। 2022 के अंदर एक कार सवार, अप्रैल 2022 में एक कार सवार के साथ जो है भाजपा नेता अग्रवाल की टकराव हो गई थी, इस तरह का दावा किया जा रहा है, जो एलिगेशन लगाया गया इसमें कहा जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पोते का अपहरण किया जा रहा था, किडनैप किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में आकर गोलियों से फायरिंग की, जिसमें एक पेट में गोली लगी और दूसरी पेट के पार हो गई, जिसकी सजा 7 महीने की प्रदीप अग्रवाल ने काटी और उसके बाद कह दिया कि यदि मुझे 15 दिन के अंदर पूरी तरह से जो है मुझे न्याय नहीं मिलता और जो इनके शस्त्र लाइसेंस जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए हैं, अगर इनको लागू नहीं किया जाता तो ये 15 दिन बाद इस्लाम को कबूल कर लेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि भाजपा के महानगर अध्यक्ष अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो लोग नहीं कर रहे, ये बात आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल में इस रिपोर्ट बस आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।